तो दिलकुश भाई नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो नमस्ते रोहित भाई। भाई बहुत दिन के बाद मैं मिल रहा हूँ आपके साथ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप समथिंग 6 या 7 मंथ हो चुके हैं। हम लोग पिछली बार मिले थे सिद्धिविनायक मंदिर के पास, बहुत अच्छा लगा था उधर पे जाके, और बहुत दिनों के बाद आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने दोस्त लोग के साथ, पुराने दोस्तों के साथ मिलना। मतलब करीब 6-7 महीना हो गया अपन मिले हुए। पुराने जरूर भी जरूर वीडियो मैंने आपका डाला है, बराबर देखा है ना? हाँ आपने देखा देखा वो? हाँ वो जरूर देखा हूँ। अभी हम लोग बता दीजिए कहाँ पे बैठे, तो ऑडियंस को थोड़ा वो आइडिया आ जाए कि अपन कहाँ पे हम बैठे। लोग मड आइलैंड पे हैं जो कि एक फोर्ट के नाम। जैसे कि बताया अपन 6-7 महीने के बाद मिल रहे भाई, तो मैंने सोचा था कि पिछला वीडियो जैसे अपने बनाया था रूम के ऊपर बनाया था, बराबर है, और क्रिकेट बराबर ज्वाइनिंग के ऊपर बनाया था, लेकिन आपकी जो एक स्टोरी है पूरी, वो स्टोरी आपने बताई नहीं थी। वो स्टोरी आज जानने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, खासकर चेंबूर से यहाँ मलाड आया हूँ। और भाई ने जरूर इतना अच्छा लोकेशन है, लोकेशन देख लो यार कितना अच्छा है। यहाँ पे पीछे समुंदर है और यहाँ पे हम लोग सामने प्रॉडकास्ट कर रहे हैं दिलकुश भाई के साथ। तो दिलकुश भाई करें शुरुआत आपके स्टोरी पे, जरूर जरूर जरूर। कहाँ से फिर स्टार्टिंग से भागने से सुनाओगे या कहाँ से सुनाओगे नहीं, फिर? मैं तो अपना लाइफ शुरू से सुनाऊंगा अगर चले सुनाने का है तो। मेरे रोहित भाई को मैंने मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो है ना, मैं क्रिकेट में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था अच्छा तो मैं सोच लिया था कि मेरे को अब 12th, मैं 8th में था, 9th में था, मैं दिल्ली जाने का सोचा। हाँ दिल्ली जाने के बाद ऐसा हुआ ना कि दिल्ली में जाने के बाद तो मैंने घर पे मम्मी को पापा को सबको बताया तो पापा मना कर दिए कि अभी तो इतना छोटा है नहीं जा सकता है, क्या किस चीज़ के लिए पूछा करेगा था आपने? क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन के लिए, बाहर जाने के लिए, अच्छा दिल्ली के हाँ लिए। हाँ तो मम्मी पापा मना कर दिए थे तो उन्होंने उसके बाद मैंने पापा बोले कम से कम 10th कर लो, 10th के बाद बाहर जाना, आप तुमको जिधर जाना है 10th कंपलसरी कर लो। तो मैंने 10th किया, 10th के बाद पापा को मैंने बोला कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मम्मी को भी बोला। एकेडमी वहाँ पे ऐसा था कि प्रैक्टिस नहीं हो रहा था, कुछ अलग करने का था, यहाँ मेरे को दूसरा जगह जाने था। ऐसा था फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में क्रिकेट चल खेलना रहे। ही था कुछ भी हाँ करके। कुछ भी करो मेरे को, उसके कारण मैंने रिजल्ट जो है 10th का रिजल्ट बहुत ही खराब गया। कोविड 2 साल बहुत ही खराब गया, गांव में क्रिकेट, वो गांव में लड़ाई झगड़ा क्रिकेट, बहुत जो भी है क्रिकेट से मेरे लाइफ रिलेटेड है। अच्छा और मैं मुंबई आने का सोचा तो मैंने मुंबई यूट्यूब पे सर्च किया था एकेडमीज़ के बारे में, तो एकेडमीज़ तो बहुत सारे मिले पर मेरे को कांटेक्ट किसी से नहीं हो रहा था कि क्या करूं नहीं करूं, किधर जाऊंगा क्या करूंगा। तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ रोहित भाई का वीडियो आया था, उन्होंने लाइव वीडियो किया था, मैंने वो वीडियो देखा, वहाँ से नंबर निकाला तो रोहित भाई को मैंने कॉन्टेक्ट किया था। उसके बाद 6 मंथ मैंने वो 9th में था तो अभी मैंने कॉन्टेक्ट किया था। 9th के बाद जब 10th में गया, रिजल्ट आया, रिजल्ट नहीं आया था, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद अपन हम चले घर से। एक दोस्त है शिवम, उसके बात किया था कि अपन बाहर जाने वाले हैं तो क्या चलें, तो रेडी हो गया। पर उसके साथ भी ऐसा गेम था ना कि वो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला था, वो क्या है किसी कॉलेज या किसी चीज़ में एडमिशन कराने वाला अच्छा, तो था। कौन से ईयर में आप मुंबई आए फिर? मैं 2020 में, 2020 2022 में, मतलब हाँ कोविड खत्म होने के जस्ट बाद कोविड में। खत्म होने के जस्ट तो बाद। मैं घर पे, आप सच उठू भी होने, सच बताया, आप घर से बता के आए थे या भाग के निकले थे? नहीं मैं तो घर से बता के निकला था कि एकेडमीज़ के लिए, पर घर से परमिशन नहीं मिली? परमिशन नहीं मिला था। एक ज़बरदस्ती जो होता है ना कि घर से बाहर निकल जाओ ऐसा वैसा, सब लोग तो नाखुश थे कि मत जाओ अकेला, अभी एज भी नहीं हुआ है। तो तो घर से मतलब घर वाले सहमत नहीं थे लेकिन आप आ गए, तो मतलब घर के बता के आए लेकिन आ गए, लेकिन हाँ सहमत तो नहीं थे, बराबर। सहमत तो नहीं तो थे। भाई मुंबई आने के बाद ये वीडियो उस पर होने वाला है कि मुंबई आने के बाद क्या सच में वो वाला स्ट्रगल आपने झेला, रूम कैसे मिला, ये सब स्टोरी आप मेरे को बताइए। मुंबई में आने से पहले तो आप बताइए मुंबई में आप कौन सी जगह है? मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुंबई में ये लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई आया था तो मेरे को सबसे पहला स्टेशन पे प्रॉब्लम हुआ। मैं और मेरे साथ एक फ्रेंड शिवम नाम का, ना उसके पास नॉलेज ना मेरे पास नॉलेज कि मुंबई में कहाँ जाना है क्या करना है। मेरे पास वो सैमसंग का छोटा फ़ोन उससे कर रहे थे, पर उसके पास स्मार्टफोन था, उसके पास पैसा भी था, मेरे पास सिर्फ 2000 रुपये थे। मैंने जैसे अरे बाप रे, मतलब आप 2000 लेके मुंबई आए थे? हाँ 2000 लेके आया था। अच्छा तो मैं घर पे जब जैसे ही स्टेशन पहुंचा लोकमान्य तिलक LTD, वहाँ पे मैंने जैसे जस्ट
गेट के बाहर जाने खोजा तो वहाँ पे एक ऑटो वाले भैया ने मतलब ऐसा बैग लेके खींच रहे थे कि भाई किधर जाना क्या करना है। मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज पता था कि मेरे को दादर में सीएसटी मतलब ये क्या बोलता है शिवाजी पार्क जाने का है, और कुछ नहीं पता था क्या करना है नहीं करना है। मेरे को सिर्फ यही पता था कि शिवाजी पार्क जाना है, तो उन्होंने जबरदस्ती ऐसा किया तो मैं डर गया, थोड़ा सा होपलेस हो गया था कि क्या करने का नहीं करने का है। तो फिर मैंने शांति से स्टेशन पे वेट किया आधा घंटा एक घंटा, रूम खोजा आसपास, रूम तो मिले तो एक चौल टाइप का मिला था लोगों को ये कुर्ला पे, तो रूम ऐसा था ना कि आसपास बहुत सारी गंदगी थी, तो मेरे को लगा ये छोटा जगह इसलिए ऐसा गंदगी दिख रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो मैं बाहर निकला, मतलब वहाँ से मैंने दोस्त का फ़ोन शिवम का फ़ोन लिया, मैंने वहाँ पे सर्च मारा ओएलएक्स के बारे में पता चला, मेरे पास फ़ोन का नॉलेज नहीं था, पर उस टाइम जो मतलब जैसा हो रहा था शिवम भाई मतलब मेरे साथ जो फ्रेंड था वो कोशिश कर रहा, वो बोल रहा था कि चलो घर पे चलो, इसी ट्रेन से रिटर्न चलने का है, नहीं हो सकता हम लोग से। तो मैं बोला कि भाई अब तो मुंबई आ गया हूँ चाहे घर पे, क्योंकि सब लोगों से मैंने मतलब बहुत कुछ बोल के आया था जाऊँगा तो ये ऐसा करूँगा ये करूँगा। तो रिटर्न मतलब रिटर्न में जब आया तो मतलब दोस्त का फ़ोन लिया, सर्च किया तो एक धर्मेश नाम करके, धर्मेश राजा नाम के राजस्थान के भैया मिले ओएलएक्स पे ही। रूम रेंट के लिए मैंने उनसे बात किया, उन्होंने सिर्फ देखने के लिए मेरे को बुलाया कि आप रूम पर आओ। कहाँ पे, कहाँ पे था लोकेशन रूम का? लोकेशन रूम का था अंधेरी वेस्ट वर्सोवा गांव, अच्छा वेसवा गांव बोलते हैं ऐसे, वेसवा गांव बैताल मंदिर के पास था। तो मैं आया वहाँ पे मतलब ऑटो करके आया, दोनों मिलके 350 रुपया, बहुत सारे सामान मतलब देखो ऑटो करके आया, अगर यही अगर आप ट्रेन से आते तो आपको 20 रुपए में आ जाते, मतलब मैं 20 से 25 रुपए में आराम से पहुंच जाता क्योंकि मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, फर्स्ट टाइम कि एरिया नहीं पता था। अगर मेरे को पहले से लोग के बारे में पता रहता कि 10 रुपया में मैं बस स्टॉप पे जा सकता हूँ, वहाँ से 10-20 रुपए खर्चे होंगे मैं रूम पे पहुँच सकता हूँ। तो मुंबई मतलब जो भी बिहार से या राज्य से आउट ऑफ आ रहे तो उनको ज्यादातर ऑटो वाले से या टैक्सी वाले से संभल के रहना, क्योंकि फंसाने का काम यहाँ पे ज्यादा होता है। अगर आपको कहाँ पे भी जाना है मुंबई में तो आप बस और लोकल सबसे बढ़िया ऑप्शन, 10 से कम 20 रुपए के अंदर ही टिकट आप पूरा मुंबई घूम सकते हैं आराम से। अगर आपको घूमना है तो 50 रुपए में पूरा मुंबई बस और ट्रेन से घूम सकते हैं। और मैं फर्स्ट टाइम आया उस रात ऐसा था, मेरे को बहुत डर लगा था क्योंकि 6:30 बज गए थे, बारिश का मौसम था, बारिश का मौसम था। मैंने फर्स्ट 1 जुलाई को यही जो मतलब 3 जुलाई को है ना, मैं यही सेम डेट को मैं मुंबई आया था। देखो सेम डेट को ये मुंबई आया था, कोइंसिडेंस देखो सेम डेट पे मैं उनका वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे मड आइलैंड पे। मैं 1 तारीख को घर से चला था, 2 या 3 को मतलब जुलाई को रात को 6 बजे पहुंचा था। धर्मेश राजा और एक लड़की थी यूपी की थी, उनसे मेरा मुलाकात हुआ, उन लोग के व्यवहार अच्छे थे और उन लोग से मिलते मिलते 1 महीने तो जैसे तैसे गुजरा, ना जॉब ना ये कुछ भी नहीं, सिर्फ मतलब घूम रहा था खा रहा था। फिर पापा से मैंने 10,000 रुपये मांगे थे तो 5,000 रुपये रेंट और 5,000 रुपये खाने में 1 महीने चला गया। उसके बाद मैं लाइफ में मतलब मैं तो दोस्त को वो स्विगी का करवा दिया था, मतलब स्विगी का जॉब उसने ले लिया था, तो मेरे को दूसरा जॉब लेने का मतलब मेरे को जॉब नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा 18+ नहीं हुआ था। 18+ नहीं हुआ तो मैं जॉब के लिए इधर उधर भटक रहा था, रेस्टोरेंट है मतलब कोई भी कैटरेस है, मतलब इतना सारा स्ट्रगल आपने झेला है यार, मतलब कर रहा था। मुंबई में सच में दिक्कत आती है और आपको वो दिक्कत आई कि जॉब नहीं मिल रहा था, फिर आप जॉब नहीं मिल रहा था और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जॉब और रेंट। मैंने रेंट के बारे में फिर पता किया कि 5,000 रुपए एक पर पर्सन मेरे को लग रहा था, जो कि मैं फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने दिया। मैंने सेकेंड मंथ रूम चेंज किया, सस्ते में रूम लिया, थोड़ा लो क्वालिटी का रूम लिया हूँ, लो क्वालिटी का। उसके बाद मैंने वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया। अच्छा जर्नी, मैं सर से मिला। फिर कितने दिन के बाद आप मेरे से मिले? मैं आपसे 2 मंथ के बाद मिला। अच्छा, उससे पहले आप कौन से एकेडमी गए थे? एकेडमी तो ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मैं उस टाइम काम ज्वाइन किया था, बारिश का मौसम था तो इंडोर गया था, ये पयाड़े एकेडमी गए थे इंडोर। इंडोर गया था पयाड़े एकेडमी के पास, पयाड़े एकेडमी है यहाँ पे बोरीवली में, तो उधर पे गया था तो वहाँ पे प्रैक्टिस तो चल रहे थे पर मेरे को उस टाइम बॉलिंग करना था क्योंकि उस टाइम बैट नहीं था, ग्लव्स नहीं था, बराबर ऐसा सिचुएशन था। देखो भाई मतलब कितना स्ट्रगल आता है कि बैट के लिए पैसा नहीं था, ग्लव्स के लिए पैसा नहीं था। वो बंदे ने आज का सिचुएशन उसका बहुत अलग है, मुंबई की हर एक गली में जानता है, हर एक गली जानता है, मुंबई की हर एक सिचुएशन जानता है, और खुद का किट है, खुद का बैट है, घर अभी है, रेंट पे रहते हैं। तो आप कंटिन्यू कीजिए। तो लाइफ में ऐसा रहा कि मैंने फिर मतलब दिसंबर में एक वक्त आया कि मैं मुंबई फिर से छोड़ना पड़ा। ऐसा हाल हुआ मेरे साथ, कुछ एक्सीडेंट मतलब कुछ बुरा
हुआ जो कि नहीं होना चाहिए, मतलब लाइफ से। तो आप जॉब क्या करते थे मुंबई में? स्विगी का? स्विगी का करता था। अच्छा, कुछ बातें हैं जो कि मतलब कैमरे पे नहीं बोल सकता, क्या बोलूं, क्या कर रहा था नहीं कर रहा था। एक टाइम मैंने रेस्टोरेंट लाइन में भी जॉब किया था, और उसके बारे में मतलब 24 घंटे आपने जॉब किया था वक्त, मतलब मेरे को एक टाइम ऐसा, मतलब आप 16 साल के थे तब आपको मतलब जॉब नहीं मिला, मतलब 16 आपका 18 कंप्लीट नहीं था बराबर। तो फिर आपका कैसा, फिर जॉब का कैसे आपने मैनेज किया? मैंने एक रेस्टोरेंट में, ये खाली था तो उन्होंने डाला हुआ था बोर्ड पे, तो मैंने अप्लाई किया, तो मतलब अप्लाई किया था तो उन्होंने सैलरी बोला कम मिलेगा क्योंकि आप 16+ हो, प्लेस का अपला हो सकता है। तो मेरे को मात्र आठ हजार रुपये मैंने जॉब किया, वो भी 12 घंटे। अरे बाप रे, 12 घंटे जॉब? 12 घंटा। सुबह 7 बजे से सुबह 6 बजे तक था, समथिंग था, 12 घंटा ही, 6 बजे आ जाता था। और खाने का तो कैसे मैनेज करते थे फिर खाने का? खाने का तो रेस्टोरेंट पे मैनेज हो जाता था एक टाइम का। हाँ, एक टाइम का दिन में खाना। अरे बाप रे। सो मतलब देखो यार, कितना स्ट्रगल मुंबई में आने के लिए किया भाई ने, और ये स्ट्रगल सबके साथ होता है, सबके साथ, ऐसा नहीं कि आपके साथ ही हुआ है लेकिन बहुत लोगों के साथ हुआ है, ऐसी भी बात है। और फिर आगे बताइए। तो मैंने समथिंग 3 अगस्त को मैंने, मतलब अगस्त जुलाई, हाँ अगस्त को मैंने जॉब पकड़ा रेस्टोरेंट का। एक मंथ के बाद रूम चेंज किया, फोन भी नहीं था मेरे पास, वही सैमसंग का छोटा सा फोन था, वो 1500 कीपैड वाला। अच्छा, उससे एक फोन, और मैं ऐसा जगह रूम पे रहता ना कि नेटवर्क नहीं आता था। अरे बाप रे। किसी टाइम इतना थका हुआ रहता था कि जो प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ तो मतलब कॉल आ रहे हैं पर कॉल लगने नहीं रहे, तो बहुत कुछ झेलना पड़ा लाइफ में। और ऐसा था कि मैं एक टाइम दिसंबर में छठ पूजा के टाइम पे मेरे को घर जाना पड़ा, बिहार वापस जाना पड़ा। उसके बाद मेरे को फिर मुंबई आने के लिए नहीं मिला, तो मैंने नवंबर में, मतलब दोस्त का ऐसा एक वक्त आ गया था कि किसी के साथ हो, बस ये बताना चाहते हैं कि 3-4 दिन भूखे, मतलब हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। अरे बाप रे। बिहार में? बिहार में नहीं, मुंबई में। मुंबई में? हाँ, और ये मुंबई बिले पार्ले में जो है ना हॉस्पिटल है, रूप नाला करके था। अच्छा, हॉस्पिटल का नाम थोड़ा टेढ़ा है, अच्छा हॉस्पिटल है, कोई बात नहीं। तो उसमें सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा, मतलब 3-4 दिन ऐसा बीते जो कि हम नहीं चाहते कि जो यहाँ पे लोग कुछ करने आए उनके साथ ऐसा बीते। अरे बाप रे, मतलब ये सच में बहुत दुखद भरी कहानी है भाई, पेट के लिए खाना नहीं मिला, ये बहुत मतलब खाने का तो चलो ठीक है, मतलब हॉस्पिटल से मिल रहे थे, वो खाना नहीं जा रहा था क्योंकि दोस्त का ऐसा हाल था। बराबर, तो ये बात वही हो जाती है ना दिलकुश भाई की, मतलब आपने ऐसे दिन भी गुजारे, आपने जैसे मेरे को बताया कि आपको जब मुंबई में आप काम करते थे तो आपको एक टाइम, दिन में एक टाइम खाना मिलता था, बस दिन में एक टाइम, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, मतलब मैं नाइट जॉब करता था तो वही जो रेस्टोरेंट में, मैं 6 बजे 7 को शाम को जाता था, सुबह आता था, सुबह 6 बजे से फिर प्रैक्टिस भागता था, तो रात में एक ही टाइम वही रेस्टोरेंट में काम करता था, वही रेस्टोरेंट में जो है कि खाने मिलता था, ऐसा था। तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल, फिर मैं यहाँ से गया, हार मान के, मतलब हार मान ही गया था उस टाइम, मैं घर पे गया। घर पे गए थे आप? हाँ, घर पे गया। मतलब आप शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस कर रहे थे तभी गए थे? नहीं, शिवाजी टाइम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, वहाँ से प्याड़े से डायरेक्ट, वहाँ से आपको मैं सेकंड टाइम मुंबई आया तब मिला। अच्छा, सेकंड टाइम में आए तब मिले? अच्छा, हाँ। तो ऐसा तब मैं सेकंड टाइम आया, फिर दिसंबर में समथिंग में आया था, तो दिसंबर में आया इधर पे, प्रैक्टिस जारी किया, फिर से प्रैक्टिस के लिए रोहित भाई से मिला, फिर हैमी सर से मिले, शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस किया, अच्छे रहे, प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहा, पर लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उस टाइम में मेरा एज में जॉब नहीं मिल रहा था, पर जॉब ऐसा था ना कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। फेक आईडी, बतानी नहीं चाहिए लेकिन ये बात सच बात है। हाँ, कि मैं फेक आईडी बना के जॉब कर रहा था किसी के बदले, और जॉब अच्छा रहा, मतलब जॉब वेज क्या, स्विगी कर रहा था, डिलीवरी बॉयज का काम अंधेरी वेस्ट में, तो चल रहा था, अच्छा चल रहा था। पर एक बहुत बुरा, एक दशहरे के दिन एक्सीडेंट होता है जो कि नहीं होना चाहिए था शायद, जिसमें मेरा गलती शायद ना है, क्योंकि वो मेट्रो पॉलिसी शायद आपको पता होगा, अंधेरी वेस्ट में, ये चार बंगले में है डी एन नगर के पास, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होता है मेरा। मैं वापस घर जाता, वापस तो घर नहीं जाता हूँ, वो समथिंग 21 दिन यहाँ पे रहे, यहाँ पे मुंबई में गुजारा हूँ। ऐसा था कि मैं चल नहीं सकता हूँ। मेरे को बताइए भाई, अगर आप खुद कमाने वाला इंसान, अगर खुद ही एक्सीडेंट हॉस्पिटल में पड़ा तो कमाएगा कौन, खाएगा कौन? ऐसा वक्त था ना कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था उस दिन। अरे बाप रे। जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ ना, उस टाइम एक आंटी थी, मतलब पेमेंट आता
पर पेमेंट रुका हुआ था, एक घंटी थी जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ, जस्ट बगल में उन्होंने 350 रुपया दिया था। मैं हॉस्पिटल गया, भाई जिस भाई ने कार से एक्सीडेंट किया उसने ही मेरे को हॉस्पिटल लेके गया, उसका नाम भी सुनील है। और उन्होंने भी हेल्प किया, पर हेल्प से क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चे आया, पैर में चोट आया, उसके बाद में समथिंग 1 से 2 महीने में क्रिकेट नहीं खेल सकता, चल नहीं सका। पर मेरा सबसे अगर उस बुरे वक्त में साथ दिया तो मेरी फैमिली और एक फ्रेंड थे जो रूम पार्टनर थे, सतीश नाम था, झारखंड के हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे साथ दिया कि चलने बुलने। मेरे को बाथरूम जाना था, मेरे को फर्स्ट फ्लोर से मतलब नीचे आना पड़ता था, नीचे ऐसा थी चौल थी ना, बराबर बराबर, तो मेरे को वो लेके जाता था, लेके आता था, खाने का वो सब कुछ करता था। अच्छा। तो बहुत हेल्प किया, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वो बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। और उस टाइम भी मेरे को फिर मेरे को रिटर्न घर जाना पड़ा सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम पहले मेरे को दादी डेट की तब जाना पड़ा, तो दादी के डेट के बाद 3 महीने में फिर से गांव में ऐसे ही प्रैक्टिस चालू हुआ नॉर्मल, घर पे एग्जाम 12th का एडमिशन कराया था, 12th दे दिया हूँ अभी, फाइनली 18th कंप्लीट हो गया है अभी मैं। तो फाइनली ओवरऑल आपको मतलब मुंबई ने बहुत तकलीफ दिया है वैसे बात करें तो? हाँ, बहुत तकलीफ दिया है। और तो आपसे जो आपको मतलब जो भी मुंबई आते हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, जो भी मुंबई आते हैं? सबसे पहले सलाह देना चाहता हूँ, अगर आपकी फैमिली कंडीशन सही है, आओ, या आपका 18+ है, जॉब है, मतलब आप ऐसा करो कि आपको लोग से कांटेक्ट होके आना चाहिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही करना चाहिए। सबसे पहला सुझाव देना चाहो, अगर आप किसी कांटेक्ट में हो तभी आओ, अगर नहीं है कांटेक्ट में तो कांटेक्ट बनाओ ताकि आपको आने जाने सुविधा, आपको फ्रेंड जो है बता सके क्या प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, कॉन्टेक्ट तो होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, जैसा मैं झेला हूँ, कुछ चीज़ों को नहीं बता सकता ये आपके वीडियो में, क्योंकि मेरे भी कुछ लाइफ की प्राइवेसी है जो कि नहीं बोल सकता हूँ कैमरे पे। और रही बात सी टाइम ना रूम पे ऐसा ऐसा रोया हूँ ना किसी चीज़ के लिए, मतलब बोलने में तो दिख रहे आपके आँख में आंसू दिख रहे हैं मेरे को थोड़े थोड़े। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता था, आप बताइए और आपकी बात। मतलब कुछ लोगों के लिए मैं बहुत बुरा हूँ जो कि सामने नहीं बोल सकता हूँ, मेरे लिए मेरे फैमिली, मेरा भाई, मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर सिर्फ सिवाय क्रिकेट को छोड़ कर, क्योंकि मैंने क्रिकेट को छोड़ने के लिए मतलब फैमिली को छोड़ा ही क्रिकेट के लिए, ताकि मैं सक्सेस हूँ अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ कुछ, क्योंकि बंदा यार इतना मेहनत कर रहा है यहाँ पे अकेला ना, शहर अलग, देश अलग, सॉरी देश नहीं, शहर अलग, सिटी अलग, राज्य अलग, सब अलग, ना कोई कहने वाला, ना खाने पूछने वाला। तो बहुत ज्यादा बारिश का मौसम था और तबीयत इतना खराब हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा, तो मेरे को स्टीम लेना पड़ रहा था, भाप होता है ना गर्म। अच्छा, हाँ। हर एक टाइम, क्योंकि उससे सही लग रहा था, थोड़ा मौसम अभी ठीक है, वही सेम वातावरण है, बारिश चालू है। उस टाइम मैं सिर्फ रनिंग और फिटनेस पे ध्यान देता था। और मैं हाँ, सबसे बड़ी बात है, आप मुंबई आ रहे हो तो इनकम सोर्स कंप्लीट, मतलब आपको इनकम आना चाहिए, साइड इनकम होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप सोचो 10 से 12 हज़ार में हो जाएंगे, नहीं हो, ये सही बात आप बहुत जरूरी, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बता रहे हो, बताइए। मतलब नहीं हो सकता है क्या, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो घर का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, घर से भाग के आ जाओगे क्या करोगे? मतलब ये बात बराबर बोली है आपने, घर मतलब से भाग के बहुत लोग 20,000 भी लेके आओगे तो कुछ नहीं है मुंबई में, बराबर है कि नहीं? कुछ नहीं है भाई, क्योंकि मेरे से बहुत लोग कांटेक्ट किए हैं आपके द्वारा, मेरे को बहुत लोग का फोन मैसेज इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपके द्वारा आया है, पर मैं उन लोगों को बहुत बोलते भाई मेरा 16 हुआ है, 45 मतलब 20 हुआ है, भाई मैं क्या करूँ, आऊँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई आपके फैमिली कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, अगर है नहीं है तो आपको खुद जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको करना है तो ये करो। मैं खुद अभी ऐसे डिमोटिवेट हूँ ना, मैं आपको लग रहा है कि बहुत अंदर से डिमोटिवेट हूँ, पर मोटिवेट करता हूँ खुद के, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है अभी भी है मैं, पर ये अभी आपके खुले सामने बोलता हूँ कि मैं जो अभी 6 महीने में जो करने वाला हूँ ना, शायद नहीं कर सकता है मेरे ख्याल से। अच्छा। मतलब कुछ तो बड़ा करूँगा, चाहे मेरे ये लाइफ 6 महीने में या शायद बहुत ही ख़राब हो जाए, मैं तो बहुत अच्छा करूँगा। ये बात सही है। तो और बहुत कुछ क्या बोलूँ, मतलब अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है, सिर्फ काम पे जाओ, काम करो, पैसा कमाओ, सेविंग करो, क्योंकि मेरे को एकेडमी ज्वाइन करनी है, अच्छी एकेडमी समथिंग, उसके फीस 2 लाख मतलब वो बहुत है। और 2 लाख रुपया मैं चाहता हूँ कि जब भी घर
वापस जाओ, थोड़ा लगे कि मैं कुछ करके आया हूँ। बराबर, ये सब की होप होते, फैमिली की भी आशा होती है कि लड़का अगर मुंबई जैसे बड़े। और सबसे बड़ी बात है कि मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, मेरे के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ अब आने वाले हैं, क्योंकि पापा एज, उनका एज होने वाला। वैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या, पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है। अच्छा, जो कि वो भी स्कूल में मतलब सब लोग मिडिल क्लास में ही है। ओनली मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते यार, मिडिल क्लास भी बहुत है। और मैं मतलब जैसे आज कमाओ तो कल खाओ, ऐसे वैसे लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। तो इसके लिए फैमिली कंडीशन भी सही नहीं है, कुछ करने का है बस लाइफ में ये ठान। तो आपको ये बोलना चाहोगे कि सच में जिंदगी में कुछ करना चाहे तो मुंबई आ सकता है, लेकिन वो हिम्मत बांध के आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे आए, दिलखुश भाई सच बताओ बहुत बच्चे आए लेकिन टिक नहीं पाते। बात आपने सही बोला है, क्योंकि मैं जिस टाइम फर्स्ट टाइम घर पे आ रहा था ना, मतलब घर को छोड़ के इतना रोना आ रहा था कि यार ये इतना सारे कुछ, सब कुछ का सुविधा है, मम्मी पापा के अंडर सब कुछ का सुविधा है, रहने का, खाने का, एकेडमी, सब कुछ, पढ़ना लिखना कोई टेंशन नहीं, फ्री, सिर्फ पापा मम्मी के साथ रहो, जो थोड़ा मोड़ा काम है वो करो, पर सब चीज का त्याग के कुछ अलग करने के लिए बहुत दूर, एक यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर अपने घर से मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ के, मोह माया छोड़ के आया हूँ कि यार कि अगर वहाँ पे रहता तो ऐसा लगता है कि जाने का मन नहीं करता, आधे टाइम आँख से आंसू निकल जाते हैं, मतलब क्या बताऊँ, अंदर से तो मतलब ऐसा टूटा हुआ इंसान हूँ ना भाई, मतलब बोल नहीं सकता तो है कि क्या आँख में आंसू दिख रहे हम लोग को, पर कुछ तो करूँगा लाइफ में, और उन लोगों को जवाब पर जरूर दूंगा जो मेरे बुरे वक्त में मजाक उड़ा रहे हैं, जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में, मेरे खुद के कुछ लोग हैं जो अपने सिर्फ नाम के हैं, बहुत ही गंदे आरोप लगे हैं मेरे ऊपर, सब कुछ खत्म, पता नहीं होगा होगा या नहीं, पर मैं सब कुछ। तो आपको यही तो ओवरऑल मुंबई ने बहुत तकलीफ दी है, तो दिलखुश भाई आई होप कि हमारे सब सब्सक्राइबर की दुआ आपके साथ है, मेरी दुआ आपके साथ है, आप ज़िंदगी में जो करना चाहो या क्रिकेटर हो या और भी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हासिल करने चाहो, हमारे दुआ आपके साथ है भाई। सक्सेस मिले या ना मिले रोहित भाई, कैसा है ना कि सक्सेस मिले ना मिले ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं कितना मेहनत करता हूँ। मैं आपको अभी सच बताऊँ कि मेरे एक मंथ कम्प्लीटली एक मंथ 5 डेज हो गया, मैंने एक दिन भी क्रिकेट नहीं खेला। अच्छा। अगर मैं चाहूँगा ऐसा मैं क्रिकेट खेलना कैसा खेल सकता हूँ, पर मैं अभी इनकम को मतलब अर्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रेनी सीजन है, 2 मंथ है, मैं चाहता हूँ कि अर्निंग करूँ, सेफ्टी मतलब सेव करूँ, सेव भी नहीं हो रहा क्योंकि कुछ लोगों से मैंने पैसा लिया है, उनको भी देना है, प्लस अभी एकेडमीज इंडोर जाने के लिए बहुत हैवी मतलब डिपॉजिट क्या बोल सकते हैं, पैसा देना पड़ता है, अच्छा एकेडमीज भी ढूंढना बहुत मुश्किल की बात है, पर रोहित भाई आपके सपोर्ट से मिला है, और कुछ लोग यहाँ पे भी है जो कि ना मतलब चाहते हुए भी लगता है कि चलो अपने जैसे लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, पर यही बोलूँगा कि कहीं पे कोई भी हो, चाहे आप हो, हम हो, चाहे कोई भी लोग हो, सिर्फ अपना लोग देखते हैं, सबसे पहले सिर्फ अपना लोग देखते हैं, और ये बात है कि आप हो या मैं हो, मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं अभी बोलूँ कि दिन भर मैं लोगों को लग रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं अकेडमी नहीं जाऊँगा, ये करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं, करना पड़ेगा भाई। अगर कुछ करना है लाइफ में, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। गेम लाइफ का सबसे बड़ी बात है कि गेम मतलब आप लूडो हो, आप लूडो मतलब डाइक हो, गोटी हो एक लूडो का, कि आप अगर छक्का आए, एक आए, दो आए, तीन आए, पांच आए, कुछ भी परिस्थिति आपको लाइफ में चलना पड़ेगा। अगर आपको हार मारना है तो गेम से क्विट मारना पड़ेगा, अगर आप हार मान रहे हो तो आखिरी मौत है। ठीक है, यही पे बात आपकी अच्छी लगी हम लोग को, ये आपने सब सुनाया बहुत बात अच्छा लगा, कुछ बुरा भी बातें लगा, कुछ मेरे भी आँख से आंसू आए आपकी बात सुनते हुए। तो वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म। आई होप आप ने सब जो भी मुंबई का रियल स्ट्रगल है वो सुना। दुर्गा जो मेरे साथ बोल दीजिए एक बार, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।